ऐश्वर्या राय और सलमान खान बॉलीवुड की उन जोड़ियों में से एक हैं जिनकी लव स्टोरी आज भी चर्चा में रहती है। ये तो लगभग सभी जानते हैं कि दोनों ने हम दिल दे चुके सनम के दौरान डेट करना शुरू किया था, लेकिन ये सब कहां से शुरू हुआ ये सबको नहीं पता। कहा जाता है कि ऐश्वर्या को डेट करने से पहले सलमान खान 1991 से 1999 तक सोमी अली के साथ रिश्ते में थे और फिर यह जोड़ी टूट गई क्योंकि सलमान को ऐश्वर्या राय से मोहब्बत हो गई। जी हां, हाल ही में एक इंटरव्यू में मीडिया से बातचीत के दौरान सोमी अली ने खुलासा किया कि ऐश्वर्या और सलमान का रिश्ता कैसे परवान चढ़ा। वहीं सोमी अली ने हम दिल दे चुके सनम के सेट का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि शूटिंग चल रही थी जब मैंने सलमान को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने संजय लीला भंसाली को फोन किया और उन्होंने कहा वह अभी आपसे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे शूट कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, अगर वे शूट कर रहे हैं तो आप इसे निर्देशित क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मेरा फोन कैसे उठा रहे हैं? मेरे इस लॉजिक को सुनकर भंसाली को समझ नहीं आया कि वे क्या कहें। साथ ही साथ इस इंटरव्यू में सोमी अली ने खुलासा किया कि ऐश्वर्या राय ने गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के जिम में आना शुरू कर दिया था। जहां हम रहते थे तब मैं और सलमान गैलेक्सी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे जहां हम जिम भी करते थे। यह पूछे जाने पर क्या सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी जिम में शुरू हुई थी, इस पर सोमी अली ने बताया, नहीं, ऐश्वर्या और सलमान को हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था। वहाँ एक लड़का काम करता था जो मुझे इन्फॉर्मेशन देता था। उन्होंने कहा, मेरे दिल को ये अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि इनका रिश्ता ऐसा है जो बहुत आगे बढ़ने वाला है और मैं जानती थी कि मेरे निकलने का वक्त आ गया है।